सीहोर की कर लेते हैं, वही क्षेत्र जहां पर सुबह से ही नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी की चिंतन बैठक यहां पर शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। बैठक में शिव प्रकाश मौजूद है, अजय जामवाल मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंचे हैं। बैठक में कई मंत्री भी मौजूद है, कुछ चुनिंदा मंत्रियों को भी बुलाया गया इस बैठक में, इस बात का भी जिक्र सामने आया है। अब ये देखने वाली बात कि सार क्या निकलता है इस पूरी बैठक का, सही शैलेंद्र चौहान का रुख करेंगे। शैलेंद्र, क्या अपडेट इस बैठक को लेकर? हाँ देखिए, बिल्कुल बीजेपी की चिंतन बैठक सीहोर में शुरू हो चुकी है और यहाँ पर वो तमाम पार्टी के जो संगठन के नेता हैं, मध्य प्रदेश की टॉप लीडरशिप है, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर शिव प्रकाश हो, अजय जामवाल हो, ये सब संगठन के प्रमुख नेता हैं। इसके अलावा शिव मोहन यादव सरकार के जो जितने प्रमुख नेता हैं वो सब पहुँच चुके हैं। संगठन के तमाम नेता हैं मौजूद हैं और बैठक लगातार चल रही है और अभी CM डॉक्टर मोहन यादव भी सीहोर पहुँच चुके हैं, वो कुछ ही देर में बैठक स्थल पर होंगे। तो पूरी बैठक जो है वो लोकसभा को लेकर चिंतन बैठक है। इसके बैठक में सबसे अहम बिंदु जो है वो वोट शेयर बढ़ाने को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में जो बीजेपी को 28 सीटें मिली थी, इस बार बीजेपी का लक्ष्य है कि सभी 29 सीटों पर कब्जा किया जा सके और उसके लिए रणनीति को पर अमल किया जा रहा है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच जाना है। तो वो तमाम में हमारे सहयोगी से कहूँगा, देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर कि वो तमाम प्रमुख नेता जो बैठक में मौजूद और यहाँ पर CM मोहन यादव भी आने वाले, तो उनकी बैठक के मौजूदगी के पहले यहाँ पर स्वागत की भी तैयारी की गई है। यहाँ पर सभी बड़े नेता, और देखिए यहाँ पर आपको CM भी यहाँ पर आ चुके हैं और आपको देखिए नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर CM मोहन यादव आ चुके हैं और सभी प्रमुख नेता यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं और CM भी बैठक में शामिल होंगे। कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री वो भी साथ में हैं। तो अब बैठक शुरू होगी जिसमें विस्तार से चर्चा होगी कि लोकसभा में मिशन 2024 को किस तरह जीतना है और उसको लेकर एक रणनीति पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर संगठन के और सरकार के वो सभी प्रमुख नेता मौजूद हैं जो कि रणनीति बनाएंगे। और सबसे प्रमुख बात है कि लक्ष्य रखा है बीजेपी ने कि इस बार 58% जो वोट परसेंट था उसको बढ़ाकर 68% तक ले जाना है। 10% वोट शेयर बढ़ाने को लेकर योजना बनाई गई है, तो सारा बिंदु उसी पर चर्चा होगी और लोकसभा का जो मिशन है बीजेपी का उसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा राम मंदिर मुद्दा है उसको लेकर चर्चा होगी और कुछ और ऐसे अहम बिंदु है जिन पर चर्चा होनी है। बिल्कुल, बहुत खास ये तस्वीरें शैलेंद्र, क्योंकि अगर बीजेपी की बैठक हो और मुख्यमंत्री का ऐसा भव्य स्वागत हो, गोपनीय रखा गया हो विषय को, तब आप ये समझ सकते कि परिवर्तन जरूर होने वाला है। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर धार से, राम मंदिर पर कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ती हुई। युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का इस्तीफा सामने आता है। दीपेंद्र सिंह ठाकुर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक तौर पर ठुकरा है। इससे नाराज होकर अलग अलग कार्यकर्ता नेता सीधे इस्तीफा दे रहे हैं। युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपेंद्र सिंह ठाकुर का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे क्रम के चलते पार्टी पद से इस्तीफा दिया है। तो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस ने ठुकराया, लेकिन अपने लिए ही शायद एक बड़ी समस्या खड़ी कर ली है कांग्रेस ने। राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, यह आरोप कांग्रेस की तरफ से, और इसलिए कार्यक्रम में नहीं पहुंचना चाहते हैं। सातवें आसमान पर इंदौर, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार फिर से इंदौर को सातवीं बार देश के सबसे साफ शहर का अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी कार्यक्रम में नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का ऐलान CM मोहन यादव को अवार्ड दिया गया है। इस बार खास बात यह कि इंदौर के साथ साथ अवार्ड सूरत को भी संयुक्त रूप से दिया गया। MP के खाते में कुल 6 नेशनल अवार्ड आए हैं। भोपाल देश का 5वां सबसे साफ शहर, भोपाल को इस बार क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल का भी अवार्ड है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश को सबसे साफ दूसरे राज्य का खिताब, मध्यप्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। पिछले साल 6ठे स्थान पर रहा है। हालांकि इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में 7-स्टार रेटिंग भी मिली है। ये भी दूसरा ऐसा पल जो खासतौर पर इंदौर के लिए बहुत खास हो जाता है, मध्य प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाला शहर। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो स्वच्छता पुरस्कार का क्रम जारी रखा और मैं मध्य प्रदेश की तरफ से
सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा राज्य में पहला नंबर का पुरस्कार स्वच्छता नगर के नाते से इंदौर नगर निगम को मिला है। मैं नगर निगम इंदौर के सारे रहवासियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे स्वच्छता जुड़े हुए छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने लगातार सातवीं बार ये बड़ा पुरस्कार जीता है। मैं इंदौर के महापौर, नगर निगम की टीम, सफाई कर्मी और इंदौर की जनता को बधाई देता हूँ। और ये जनभागीदारी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि अगर स्वच्छता में नंबर आना हो तो जनता की भागीदारी बहुत अवश्य होती है, और इंदौर जनभागीदारी के लिए पहले से ही जाना जाता है। एक बार फिर से इंदौर की जनता को और महापौर जी को बधाई। और अब देखिए मध्य प्रदेश टॉप 20।